Hi to all lovely viewers, welcome back to Anushi's Creative Life. Guys, I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. हम सब भी यहाँ बहुत अच्छे हैं. फिलहाल अभी रात के हो रहे हैं 2:45 और अभी मैं सो चुकी थी guys. तो मैं सोची, एक्चुअली मैं सो गई थी बट फिर मेरा नींद खुल गया और मैं एक काम भी करना भूल गई थी जो कि आजकल यहाँ पे थोड़े से समर आ गए हैं. तो मैं अभी अपने बालों में थोड़े अच्छे, अभी बाल के पीछे मैं बहुत ज़्यादा लग गई हूँ, हेयर ट्रीटमेंट कर रही हूँ क्योंकि विंटर में क्या होते हैं कि रूम हीटर यूज़ करती हूँ ना. तो अब यहाँ पे विदाउट रूम हीटर टेम्परेचर, रूम हीटर के बगैर हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि ठंड बहुत होती है, माइनस में टेम्परेचर चले जाते हैं. तो प्रॉपर वे में सिर्फ विंटर में सिर्फ शैम्पू कर पाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो पाते हैं. तो अभी समर आ गया है, अभी मैं फ़िलहाल जैसे कि ये मैं नुपुर की मेहंदी जो हिना होती है ना मेहंदी, उसकी मैं अपने बालों में ट्रीटमेंट ले रही हूँ. ये मैं पहले भी जब कॉलेज में भी अपनी जब पढ़ाई करती थी तो मैं हमेशा यही अप्लाई करती थी और मैं ऐसे बहुत सारा होम रेमेडीज़ अपने बालों में अप्लाई करती थी और मेरे हेयर काफ़ी थिक थे, लॉन्ग, काफ़ी लॉन्ग थे एंड पूरे बहुत अच्छे हेयर थे. अगर मेरे पास एक दो क्लिप फ़ोटोज़ होंगे तो मैं श्योर अब वो फ़ोटो मैं इस ब्लॉग के एंड में मैं डाल दूँगी तो आप लोगों को समझ में आएंगे. वैसे मैं ये सिंपल सा मेरा हेयर केयर है, मैं ऐसा कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे ये बहुत सूट करता है जिस वजह से मैं ये सब चीज़ मैं फिर से कर रही हूँ क्योंकि डुब्बों के होने के बाद में मेरे पास उतना टाइम नहीं रहते थे. डुब्बों के होने के बाद नहीं, उससे पहले जब मैं जॉब करती थी तो ये सब के लिए मैं बिल्कुल छोड़ चुकी थी, वक्त नहीं रहता था मेरे पास में. और फिर डुब्बू होने के बाद तो और भी नहीं कर पाई. तो अभी मेरे हेयर काफ़ी डैमेज हो चुके हैं, पहले जैसे तो मेरी हेयर नहीं है बट स्टिल अभी भी थोड़े बहुत जो है तो मैं उसको ही अच्छे से ट्रीटमेंट दे रही हूँ ताकि हेयर थोड़े से अच्छे रहें. तो मैं ज़्यादा नहीं, पहले तो अभी तो सिर्फ ये नुपुर हिना मुझे मिल गया है, मेहंदी मिल गया है, वो भी मैं अमेजन से ली हूँ. बट इसमें मैं पहले बहुत कुछ ऐड करती थी, वैसे ऐड करने का अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जो मैं ऐड करती थी वो सब इसमें वो इंग्रेडिएंट्स है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये करना चाहिए. हाँ, जब मैं इंडिया जाऊंगी तो ये सब सामान लेकर मैं आऊंगी ताकि मैं नेक्स्ट समर में फिर से ट्राई कर सकूँ. तो मैं, हाँ, मैं बचपन में बहुत हिबिकस फ्लावर लगाती थी जो कि जवा फूल जिसको बोलते हो वो लेती थी. फिर उसके बाद ब्राह्मिनी ये भी मैं यूज़ की हूँ, शिखाकाई, ये जितने भी यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स है ना, मेथी, नीम, जटामसी, एलोवेरा, भृंगराज, आंवला, ये सबको मैं लेके ड्राई इंग्रेडिएंट्स रहते थे वो जस्ट लाइक जड़ी बूटी होती है ना वैसा रहते हैं, उसको मैं क्या करती थी कि एक पाउडर बना देती थी या तो कभी ये सारे जड़ी बूटी जटामसी सबको लेके पानी में छोड़ देती थी ओवरनाइट और दूसरे दिन उसको मेहंदी में घोल के अच्छे से एक पेस्ट बना के और उसके दूसरे वाले दिन में मैं पूरे अपने बालों में अप्लाई करती थी.
और उस वक्त मेरे बाल बहुत अच्छे थे। मैं 3 टेबल स्पून में इसमें ये ले ली हूँ, मेहंदी ले ली हूँ, और ये मैं क्या की हूँ, चाय पत्ती के पानी में ली हूँ। इसमें मैं कल सुबह क्या करूँगी, अनियन को ग्राइंडर में पीस लूँगी। वो मैं प्रोसेस आप लोगों को दिखलाऊँगी। अनियन एंड मेथी ऐड करूँगी जिससे हेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मतलब होता है ना कि इसके जो रूट्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं और सिल्की हो जाएंगे। और बीटरूट भी मैं डालूँगी, बीटरूट से हेयर बहुत अच्छे रहते हैं। और मैं ये थोड़ी सी कॉफ़ी डाल रही हूँ जस्ट आपके हेयर के कलर जो होता है ना, लोग कलर करते हैं आपके, जैसे कि अलग अलग ब्रांड्स के कलर करके अपने बालों को अच्छे लुक देते हैं, बट उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, दे आर टोटली नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेयर। तो मैं इसमें बीटरूट डालूँगी। बीटरूट से एक तो हेयर काफ़ी हेल्दी रहते हैं एंड दूसरा उसके कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, जस्ट वो बरगंडी कलर होते हैं ना वैसा हो जाते हैं। और मैं इसमें अभी फ़िलहाल के लिए कॉफ़ी पाउडर थोड़ा सा डाली हूँ, पा रही हूँ आप लोगों को, और इसको मैं मिक्स कर दूँगी। सुबह में मैं इसमें मेथी और देन आफ्टर बीटरूट एंड अनियन, ये 3 चीज़ मिक्स करके मैं शैम्पू करके, बहुत लोग एग डालते हैं, मैं भी डालती हूँ एग, बट आज मैं एग नहीं डालूँगी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फिलहाल अभी सुबह हो चुके हैं, 11 बज रहे हैं, बाहर का वेदर देखिए कितना सही लग रहा है ना, पूरे अच्छे खासे धूप आके है और ठंड भी नहीं है आज, कल थोड़े ठंड थे। तो अभी आप लोग थोड़े टाइम देख लो, और मेरे घर पे IPL चल रहे हैं और डुब्बू अभी जस्ट नहीं थोड़ी देर पहले उठे हैं और उसको मैं ब्रेकफास्ट कराई हूँ। और यहाँ मैं अपने ये सब कुछ रेडी कर ली हूँ, वेट बैक कैमरा करती हूँ। तो ये रहा, मैं मेथी के ऐसे पाउडर पीस ली हूँ गाइस, ओके। ये आपके 1 टेबल बड़े बड़े चम्मच से 1 टेबल स्पून है, ऐसे मैं इसको स्मूथ वे में इसको पीस ली हूँ, क्योंकि इसको अगर रात में अगर मैं भिगो के रखती ना फिर पीसती ना तो फिर वो पूरे बालों में वो स्टिक हो जाते हैं, तो ये उतने नहीं होते हैं, होते हैं मगर उतने नहीं होते हैं। और ये मैं हाफ अनियन ली हूँ एंड हाफ बीट रूट ली हूँ, अभी इसको मैं ग्राइंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैं कर ली हूँ, ये अनियन के पेस्ट है, ये बीट रूट के पेस्ट है, थोड़े से पानी छोड़ रहे हैं बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको एक साथ ही मिक्स करना है। तो मैं सबसे पहले ये मेथी पाउडर डाल देती हूँ, देन ये सब कुछ को साथ में ओके। तो फ्रेंड्स अभी मैं वॉशरूम आ गई हूँ, उसको अब जल्दी से अप्लाई कर लेती हूँ। और ये मैं थोड़ी सी शैम्पू उसमें ऐड कर दूँ ताकि वो स्मूथ हो सकेंगे, कोई भी आप शैम्पू ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि दैट आपको यही ब्रांड के लेने हैं, मुझे ये थोड़े अच्छे लगते हैं तो मैं यही वाला यूज़ करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि दैट मैं सिर्फ यही बॉटल यूज़ करती हूँ, और भी कुछ भी मिल जाने से मैं कुछ भी लगा लेती हूँ। इसमें थोड़े से अनियन का स्मेल आएंगे बट उसको आप लोग अवॉइड कीजिएगा, ओके। और फ्रेंड्स आप अपने पूरे बालों को अच्छे से पार्टीशन करके, डिवाइड वे में करके, अच्छे से रूट्स में आप ये हिना पेस्ट लगाओ, और फिर उसके बाद में पूरे एंड टू टिप्स लगाने हैं ताकि जितने भी ड्राई हेयर है वो आपके थोड़े से कंडीशनर वे में हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मेथी डाली हो और ये हेयर ग्रोथ भी मेथी करते हैं। तो जैसे कि गाइस इसको पूरे अच्छे से प्रॉपर वे में लगा लीजिए, लगाने के बाद में देन उसको आप 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 2 घंटे के बाद में आप चाहो तो इसे आप हेयर शैम्पू
कर सकते हो, बहुत लोग एक दिन बीच करके करते हैं, बट मैं उसी दिन ही कर लेती हूँ बिकॉज हेयर काफ़ी हैवी हो जाते हैं और मैं इतनी हैवी नहीं संभाल पाती हूँ। तो अब अच्छे से शैम्पू कंडीशनर लगा के इसको फिर कोम करके आप छोड़ो और देखना कि जिस प्रोसेस में मैं मेथी पाउडर यूज़ की हूँ उसमें बाल में बिल्कुल भी मेथी नहीं रहते हैं। और ये आप अच्छे से अपने बालों को हेयर में बन बना लीजिए ताकि वो आपके बाल पूरे अच्छे से अंदर से वो ड्राई हो जाएंगे और फिर उसके बाद में आप अपने बाल को ऐसे क्लचर कर लीजिए। तो और करने के बाद में मैं 2 घंटे छोड़ दी थी और फिर उसके बाद में मैं अपने बालों में कोम कर रही थी, तो जो कि मुझे अपने बालों में काफ़ी चेंजेस फील हो रहे थे। तो अगर गाइस मेरे ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। ओके, गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।